अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आए थे मुमरा नूरबाग हॉल में, जो कि है कौसा में। यहाँ पर हम आए थे शाह इवेंट्स पे, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था अफशीन सैयद और फिरदौस पठान ने। तो ये व्लॉग होने वाला है काफ़ी स्पेशल, तो आप एंड तक ज़रूर देखें। एंट्री पर इनका बैनर लगा हुआ था और एंट्रेंस की डेकोरेशन काफ़ी प्यारी थी माशाल्लाह। हमने एंटर किया राइट तरफ से और एंटर करते ही यहाँ पर फ्री चेकअप्स वगैरह हो रहे थे। काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पर थे, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। और ये था स्टेज का डेकोरेशन, जो कि बहुत खूबसूरत था। और पूरा इवेंट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसके बाद फिर हम गए थे सारे स्टॉल्स पर देखने के लिए कि क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम गए थे ज़ोया शेख की स्टॉल पर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और इनके खुद का हर्बल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ये ऑयल, शैम्पू, सनस्क्रीन, फेस मास्क सारा कुछ बनाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें ये सेल करते हैं। तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। मैंने इनसे ली थे कुछ चीज़ें, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। गाइस ज़रूर इनको फॉलो करें, ये हमको यहाँ सेमिनार में मिले हैं और हमारा इवेंट है यहाँ पर माशाल्लाह। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, हमारे प्रोडक्ट के सेल के साथ हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हम फलस्तीन के बच्चों के लिए हेल्प करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के शायद हम पहले किन्नर होंगे जो फलस्तीन के बच्चों की मदद करने जा रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, इन लोगों ने भी प्रोडक्ट्स लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको भी बहुत रोज़ी दे, खैर बरकत दे इंशाअल्लाह। तो आप देख ही सकते हैं कि माशाल्लाह ज़ोया शेख कितने ज़्यादा हम्बल है और ये फ़लस्तीन के बच्चों के लिए भी कितना ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें इनका अजर ज़रूर दे। उसके बाद उनसे हम कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आ गए थे आगे के स्टॉल्स पर। तो आगे हैंडमेड चीज़ें और ये मसाले थे। तो ये जो भी स्टॉल्स पर हम विज़िट कर रहे थे, वहाँ से अगर हमने कुछ परचेस नहीं किया है तो हम उनका जो कार्ड है, विजिटिंग कार्ड या फिर जो पैम्पलेट है, वो मैं मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दूँगी। तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी जाकर चेक कर सकते हैं। मैं मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो आपको अगर कुछ ऑनलाइन परचेस करना है तो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। आगे हमने चाय पी थी वहाँ पर, शाम का वक्त हो चुका था। और यहाँ पर परफ्यूम का स्टॉल भी लगा हुआ था, हेल्थ चेकअप भी हो रहा था। शाह इवेंट्स आगे भी और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी उस चीज़ की, आप भी ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पर थे फूड स्टॉल्स, ज्वेलरी आइटम, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सब। और इसके बाद यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से दुपट्टे मिल रहे थे और ड्रेसेस भी थे इनके पास, जो कि मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे। हमें स्मॉल बिजनेस को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए मैं भी इन्हें प्रमोट कर रही हूँ। यहाँ पर भी कुछ ज्वेलरी आइटम्स मिल रहे थे। तो गाइस, हर चीज़ पैसा नहीं होती है, कभी कभी हमें दुआओं की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, तो आप भी दुआ लिया करें सबकी। तो आगे बढ़ते ही मुझे अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी का स्टॉल दिखा। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी आइटम्स हैं इनके पास। ऐसा लग रहा था कि सब खरीद लूँ, पर सब नहीं खरीद सकते हम। तो मैंने इनसे कुछ परचेज़ किया था, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। इनकी भी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं इनसे। और प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे गाइस, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल रेट्स ही है। तो ये है इन्फ्लुएंसर नगमा खान और इनके साथ इनकी सिस्टर नादिया भी है, जो कि है एनके आर्ट्स की ओनर। इन दोनों की इंस्टाग्राम आईडी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी।
तो इवेंट में फूड स्टॉल्स और कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस भी हो रही थी। तो स्टेज पर आपको जो बच्चे दिख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस इन्हें आता है, तो ये अपना टैलेंट हमें शो कर रहे थे वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी हाई किक कर रहे हैं, माशाल्लाह इनका टैलेंट बहुत अमेजिंग है। तो आप भी अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाए। तो ये था काफ़ी स्पेशल मोमेंट, यहाँ पर हमें मिल रहा था अवार्ड बेस्ट शेफ का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग ने हमें ऑनर किए। बस अल्लाह का करम ऐसे ही हम पर बना रहे और आप सब भी हमें ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट करके बताया करें आप कि आपको कैसी लगती है रेसिपीज। यहाँ पर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी आए थे जो कि VIP गेस्ट थे, तो इन्हें भी स्टेज पर ऑनर किया गया था। इसके बाद हमने खाई थी चिकन क्रिस्पी, तो यहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगाया था उनके खुद का एक होटल है, उसकी डिटेल्स भी आपको मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मिल जाएगी। ये है हमारा प्यारा सा अवार्ड और इसके साथ ही हमें मिला है सर्टिफिकेट। तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिख देना आप, और अल्लाह हम सबको ऐसे ही दोनों जहाँ में कामयाबी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। ये कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की थी वहाँ के स्टॉल्स पर से, तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये वॉच ली थी ज़ोया शेख के पास से, उन्होंने हमें फ्री गिफ्ट के तौर पर ये हेयर क्लिप भी दिए थे। तो आप ये ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको लिंक दे दूँगी। ये रिंग मैंने वो अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी जो स्टॉल लगा था उनके पास से ली थी, और ये बीड्स वाली ब्रेसलेट और की चेन मैंने NK आर्ट्स के पास से ली थी। तो ये सब की डिटेल्स आपको मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम स्टोरी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। हम घर आ गए थे और घर आकर हमने इंजॉय की थी आइसक्रीम। इसी के साथ हमारा इवेंट का ब्लॉग होता है एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।